صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على مولى نبي بعده وعلى آله وصحبه وحبه وذريته وجماعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم. عصر نو رات کی زندہ سے نکالی جائے، عصر نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، پارساؤں کی جرودات کھنگا لی جائے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ دیکھیے رات کی کمر اس وقت بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے، میری خطابت کی لاٹھی اس ضعیفہ کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے جو لاٹھیوں کے سہارے چلتی ہے۔ ہم جتنے جذباتی ہیں اگر اتنے شعور مند ہوتے تو میری حالت کچھ اور ہوتی۔ اللہ میری قوم کو جذبات کے ساتھ شعور بھی بخشے۔ مسلمانوں کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور اس وقت سے کہاں پر ختم ہوئی ہے؟ شروع ہوئی تھی ایک محمد عربی کی ذات سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے دامن میں ایک مرد آیا، نام تھا ابو بکر، ہو گیا صدیق۔ پھر ایک مرد آیا، نام تھا عمر، ہو گیا فاروق۔ آیا عثمان، ہو گیا پیکر شرم و حیا۔ آیا ایک بچہ علی، مگر تاریخ نے انہی کے تعلق سے کہا مرہم کو پچھاڑنے والا کون، خیبر کو اکھاڑنے والا کون، وہی علی۔ اب آپ باپ سے میں صرف اتنی سی بات کہوں گا، جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ہم آ گئے میرا کام ہو گیا۔ دعوت دینے والے نے اپنی محبتوں کی پگڈنڈیوں پر مجھ کو چلنے کی سعادت بخشی، ہم بڑے سکون کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرے پاس لطیفوں کی کوئی دکان نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہکہوں کا بےہودہ سامان بیچیں، میرے پاس آوارگی کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ کو اس پرتقدس ماحول میں برباد کرنے کی غلط سوچ پیدا کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آقا کی یادوں کا جشن ہے،
जहां बात होती है मदीने वालों की। इसलिए जितने लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। अपनी भी आदत कुछ इसी तरह की हो गई है, जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी बात। आप जिस तरह सुनेंगे हम उसी तरह सुनाएंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप सुनो, सुनकर समझो, समझकर अमल करो और तलाश करो आज मेरी एक घंटे की तकरीर में कि हम कहां हैं, क्यों हैं और जहां थे वहां होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर में दो मिसरे होते हैं। दो मिसरों का पहला मिसरा और पहले मिसरे का आधा हर्फ, आधा मिसरा उस मिसरे पर मेरी थोड़ी देर की तकरीर होगी। आपको ये तसव्वुर लेकर बैठना है कि जो कहा जाएगा हम उसको सुनेंगे, अपनी तबीयत की नहीं सुनेंगे, आका की शरीयत की सुनेंगे, अपनी तबीयत की नहीं सुनेंगे, मदीने वाले मुस्तफा के मिजाज में रहकर अपनी आकबत की जुल्फों को सवारेंगे। शायर इस्लाम बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता सना खाने रसूल हजरत मुझको तो ऐसा लगा कि आज ही बीजेपी की जीत हुई। हजरत दिलबर शाही जो मोहताज तआरुफ नहीं है, यकीनन वो जिस तरह सुनाते हैं आपने उस तरह सुना और आप जिस तरह सुनना चाहते हैं उन्होंने उस तरह सुनाया। अपने फन के इकलौते फनकार हैं इस वक्त हिंदुस्तान के मसलके आला हजरत के मजहबी स्टेज पर। अल्लाह इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी दुआ में असर हो ना हो मगर दुआ है अल्लाह इन्हें ताकयामत रखे। अजीज भाई नकीब अहले सुन्नत अदीब अदब नवाज हजरत अशरफ बिलाली साहब की शानदार जानदार तरहदार नुक्ता सन का दाफरी धुआंधार तरहदार निकाबत के साहिबान में मुझ जैसे छोटे मौलवी और जवान खतीब को बोलने का मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि आप को एक घंटे में होश और जोश के मिश्रण के साथ कुछ दे सकूं। जो लोग सुनना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। स्टेज पर बैठी हुई मेरी बिरादरी आपसे कम नहीं है ये मुझको मालूम है, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता अपनी बिरादरी का मामला है कि पांव भारी हो गए, मगर ये तो मैं कह सकता हूँ इनके हाथ अभी भी जवान हैं। दिन के उजालों में अगर अपना एक हाथ उठाते हैं तो लोग कहते हैं मसलके अहले सुन्नत के आफताब हैं, रात की तारीकी में हाथ उठाते हैं तो दीवाने कहते हैं मसलके आला हजरत के महताब हैं। अब इन चेहरों को देखिए और इनके जिस्मों के साथ अगर हाथों का ताल्लुक है तो एक जुमला मैं दे रहा हूँ। हुजूर पीरे तरीकत आबरूए सियासत मिंबरे नूर पर जलवा कर है और सराफा इखलास बीमार कौम मिल्लत हजरत कारी बाकी साहब किबला जाकिर साहब किबला वो भी जलवा कर है। अब वो शेर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ बुजुर्गों के करम से मैं सबसे खूबसूरत हूँ, इसलिए मुझको देखिए और आप इस चीज को तय मानिए कि हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का रोज रोज शिकार करते हैं, शाम खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाते हैं।
अब अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए या हबीब अल्लाह। अब 5 से 7 मिनट मुझको और मेरी गुफ्तगू को समझिए। शायर बहुत हुए मगर बड़े बड़े शायरों में भी अगर 2-3 नाम निकाले जाए जो मुझको खास तौर पर बहुत पसंद है, उसी में शायरे मशरिक सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, हरा हरा पहन कर माहौल पीला पीला कर रहे हैं। नर्म दमे गुफ्तगू, बच्चों को चाहिए कि बैठ कर तकरीर सुने अगर आप मदरसों के तालिब इल्म हैं। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, इस्लाम की पूरी तारीख को अगर समेट कर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्से का नाम है नर्म दमे गुफ्तगू और दूसरे हिस्से का नाम है गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम मक्के से चला, पहुंच गया यसरब की वादियों में और बना गया उसे मदीना। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं चला, इस्लाम पत्थरों की दुनिया में रह कर पत्थरों को मोम कर गया। मोम करने में कमाल मुस्तफा के हाथों की तलवारों का नहीं है बल्कि मेरे सरकार के उस लहजे का कमाल, मेरे सरकार की गुफ्तगू की उस हलावत का कमाल है कि न तीर चलाया न तलवार न नेजा चलाया न खंजर और इस्लाम फैल गया। कैसे फैला इस्लाम? आपका जवाब होगा नर्म दमे गुफ्तगू। आज हम इसी अजीम चीज को भूल गए। आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये लोहे का सरिया और फिर ताजु शरिया, ये सरकारें ताजु शरिया की अजमत की हिमायत है या उनकी शान के खिलाफ। अजीब माहौल हो चुका है। ये कैसे कैसे स्टेज के कुछ मौलवी हैं जो इस तरह के नारों को ईजाद करते हैं। क्या मेरा ताजू शरिया लोहे की सरिया है? और जब लोहे का सरिया इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान का ज़हन कहां कहां जाता है। और मेरा ताजू शरिया तो तकवा की वो खुली किताब है, मेरा ताजू शरिया तो पारसाई का ही दीदार है, मेरा ताजू शरिया इल्म का चपले शाम, मेरा ताजु शरिया किरदार का एक हसीन चमन है। मेरे ताजु शरिया के नाम को इन खोखले नारों से बदनाम न करो, इसलिए कि इस्लाम लोहे की सरिया से नहीं फैला है, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ थोड़ा सा करीब, 1 घंटे का वक्त है, 10 मिनट मेरा हुआ, 50 मिनट आप मुझको दे दो। कैसे फैला इस्लाम? नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रस में हो या बस में हो, पाक दिलो पाक पास। अब आओ, एक बात बीच में याद आ गई, शायर बहुत है जमाने तालिब इल्मी से लेकर अब तक मैंने बड़े बड़े शायरों की किताबों को पढ़ लिया, दाग की शायरी मैंने देखी है, गालिब के दीवान पर मेरी नजर है, जौक के शौक को मैंने खूब मुलाहिज़ा किया है, अनीस की शायरी भी अच्छी है, तबीर का मर्शिया भी पढ़ा है, कतील शिफाई की शायरी का रंग भी देखा है,
मगर आओ तुम्हें उड़ीसा ले चले। अरे अगर समझ में आ रही है तो बात बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 मिनट मिजाज बना दो हम अपनी खिताबत की उंगलियों से आपके सिमाग की समंदर में लहरें पैदा कर सकते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता है, तुम्हें सिकंदर सैयद की चादर तकहीर का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूबियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है। अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी कैफियत से कहो मजहब इस्लाम और मरे नवाज से मजहब इस्लाम और पूरी तबीयत से कहो मजहब इस्लाम। अब अपने हाथों को अपनी जगह रहे हैं और आइए मुलायजा कीजिए। आप रहते हो हिंदुस्तान में, आओ इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक मर्द फकीर पैदा हुआ, पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में। हमारे अलाहाबाद साहब जानते हो शाबान, यानी जो भाई है रमजान शाबान। शाबान भाई आका फरमाते हैं शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, सरकार का महीना मेरा महीना, नजर से नजर मिलाई ताकि गुफ्तगू में बालीदगी हो जाए। अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो खूबसूरत। नजर से नजर ले, नजर से नजर ले मुलाकात कर ली, नजर से नजर ले मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर आओ चले उड़ीसा, पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में, जवान हुआ आजाद मुल्क में, इंतकाल कर गया 1981 को। नाम था मोहम्मद हबीबुर रहमान, मगर पूरी दुनिया सुन्नियत उन्हें फख्र से कहती है मुजाहिद मिल्लत। जीने का हौसला हिंदुस्तान में पैदा करना है तो इन जलसों से कम मुजाहिद मिल्लत के किरदार से ज्यादा रिश्ता जोड़ना होगा। आओ इस्लाम के बेटे, मुजाहिद मिल्लत ने कोई शायरी नहीं की, कोई मोटी किताबें नहीं लिखी, कोई दीवान नहीं लिखा, कोई एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं बता सकता कि बरेली वाले रजा की इस मस्ताने फकीर ने शायरी की हो। मगर सिर्फ दो शेर, कितना शेर? दो शेर। उंगली दिखा कर बताओ कितना शेर। राम लोग उंगली जिनकी कट गई हो, दुनिया के हुस्न के नजारों में उनकी जरूरत नहीं, हम तो मुस्तफा के नाम पर सर कटाने वाले दीवानों को ढूंढते हैं। सिर्फ दो शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? गर्दन हिलाते क्या, कोई शादी की मजलिस से क्या के धीरे से बोलिए। काजी साहब जाते हैं जब लड़की के पास, एक फलाना बिंद फला मैंने फला इतने फला को अपनी वकालत और कजा में तो गवाहों की मौजूदगी में दैन मेरे की रकम इतनी इतनी तुम्हें फला इतने फला की जौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? तो लड़की रोती रहती है, जवाब देती ही नहीं। अगल बगल की औरतें बोलती है बोलो ना, और वो रोती रहती है। इस्लाम की बेटियों जब ऐसा मौसम आए तो रोया मत करो, मुस्कुरा कर कहो काजी साहब जो मेरे बाप को पसंद है वो मुझको पसंद है। तब तुम्हारे हक होगा कि इस्लाम की अजमत का नारा खोल कर लगा सको। इसलिए ये शादी की महफिल नहीं है, ये जलसा है। जरा जोर से कहो मैं सुना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। और गौर से सुनना इस शेर को, बदलती हुई ऋतुओं को देखो, हालात की पंखियों को देखो, जुल्म के पंखों के हाथों को देखो,
जमीन तंग हो रही है, इस तंगी को महसूस करो। तुम्हारे पेटों के सीनों से नबी की मोहब्बत को निकालने की खातिर हुकूमत की मशीनें लग चुकी है, होश की दवा लो। तुम्हारी खानदान, तुम्हारे खानदान की बेटियों को इस्लाम की सरहदों सीमा से निकाल कर कुफर के गंदे आंगनों में पहुंचाने की सोच हो चुकी है। सबक लो, तुमसे तुम्हारी नमाज छीन ले जाने का तसव्वुर हो रहा है, गौर करो। तुमसे तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को छीनने का प्लान तैयार हो रहा है, गौर करो। दुनिया की पूरी ताकत मिलकर काम कर रही है मगर नहीं मिल पा रही है। तो मेरी कौम, जिंदगी जीना है तो आओ मुजाहिद मिल्लत से सबक लो। उस मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़ो जिन्होंने कौम की जुल्फों को आरास्ता करने की खातिर अपनी जिंदगी या तो रेल में गुजारी है या जेल में गुजारी है। उस मुजाहिद मिल्लत ने जो पैदा हुए गुलाम मुल्क में, जवान हुए आजाद मुल्क में, इंतकाल हुआ 1981 को, उन्होंने आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो हमें जीने का तरीका दिया वो हम भूल गए। काकर याद है, चादर याद है, अगरबत्ती याद है, हाथ चूमना याद है, पांव चूमना याद है, मगर अपनी कौम को जिंदा रखने का वो हुनर जो मुजाहिद मिल्लत ने दिया याद नहीं है। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद अगर अहले स्टेज दुआओं से नवाज दे तो शायद गुफ्तगू का मौसम बरसाती हो जाए। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में, हमें इससे क्या मतलब कि पेशावर में क्या हो रहा, मुझे इससे क्या गरज कि लाहौर की सड़कों पर क्या हो रहा है, मुझ में इससे क्या जानू कि रावलपिंडी में क्या हो रहा है। मुझे तो इससे बहस रखनी चाहिए कि आसाम में क्या हो रहा है। मुझे तो इस पर डिस्कस करना चाहिए कि मुजफ्फरनगर और मीरठ की गलियों में जो हुआ अब ना हो। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भागलपुर की सरजमीन पर हुआ हमारे बेटों और बेटियों की गर्दनों को काट कर सालिमों ने खेतों के नीचे दाब कर उस पर गोभी और सब्जियां उगा दी। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि फिर गुजरात में मुसलमानों के साथ कोई नरसंहार न हो। हमें तो इस पर गौर करना चाहिए कि फिर से दिल्ली की सरजमीन पर इस्लाम के पेटों पर जुल्म करते हुए खुद इस्लाम के पेटों को जेल की काली कोठरी के नीचे डालने नहीं चाहिए। जिस दिन तुम ये सोच लोगे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारी बेटियों का फ्यूचर ब्राइट कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारे खानदान के शहजादों कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के सीनों में नबी की मोहब्बत की हिफाजत कैसी हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारे घर वालों के सीनों में मसलके आला हजरत का दर्द कैसे महफूज रहे, तो उसी दिन तुम फैसला करोगे कि हम जलसा कम करेंगे, नबी का इल्म ज्यादा फैलाएंगे, हम जुलूस कम निकालेंगे, नबी के एजुकेशन को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्म व सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है और इल्म मोमिन का हथियार है। अरे दुनिया हमेशा इस्लाम के बेटों की तरफ तलवार लेकर आई।
आई है, इस राष्ट्र की तरफ हमेशा तीर लेकर आई है, दुनिया हमेशा इस्लाम को मिटाने के लिए देशों की भीड़ लेकर आई है, घोड़ों की रफ्तार लेकर आई है, मगर इस्लाम कहता है तू तीर लेकर आता है लेकर आ, तू लोहे की तलवार लेकर आता है तू देशों की आर्मी लेकर आता है लेकर आ, तू बंदूक के तू बंदूक की नालियों की बिजली भी गोलियां लेकर आता है आ, मेरे पास तलवार का जवाब मुस्तफा का किरदार है, मेरे पास देशों का जवाब मुस्तफा का किरदार है, और जब मुस्तफा का किरदार लेकर चले है तो कैसे इस्लाम फैला है कि चले थे मक्के से मुस्तफा मगर इस्लाम ऐसा फैलता चला गया कि देखते ही देखते यसरब मेरा हो गया, इराक मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, अज़रबैजान मेरा हो गया, आर्मेनिया मेरा हो गया, तुर्कमेनिस्तान मेरा हो गया, सहराए अफ्रीका की तख्ती गलियों में आजाद हमले की है, बैतुल मुक़द्दस पे फिर से इस्लाम का सफेद परचम हमने लहराया है, नहावंद मेरा था, खोरासान मेरा था, काबुल मेरा था, गजनी मेरा था, इस्तांबुल मेरा था, कुस्तुनतुनिया मेरा था, इसी की कामयाबी को देखकर तो शायद मसलिक अल्लाह में अबाल ने कहा था इलाही ये तेरे पूरे सरार बनते जिन्हें तूने बख्शे है सौके खुदाई तो यूं इनकी ठोकर से दरिया में सहरा पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले लाई शहादत है मतलू को मकसूद है मोमिन नकाल गनीमत न किश्वर खुशाई तो आलम से करती है बेदाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशाई कष्ट सो कष्ट है दरिया भी न छोड़े हमले पहले जुलमात में दौड़ा दिए भोरे अरे तकबीर नारे रिसालत पूरा मजा हाथ आशिक है और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटे हो तो इस्लाम का तराना सुनने की आदत डालो। जंगे बद्र लाए बेटे एक घंटे का वक्त मिला है 20 मिनट होने को है 40 मिनट और सुन कर जाओ जंगे बद्र बाद में हुई सिद्दीक इस्लाम पहले लाए जंगे बद्र बाद में हुई अली इस्लाम पहले लाए जंगे बद्र बाद में हुई हजरत खदीजा इस्लाम पहले लाए जंगे बद्र बाद में हुई उमर इस्लाम पहले आखिर वजह क्या थी बस एक ही चीज थी नर्म दबे गुफ्तगू क्या बात है वाह 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 नर्म दबे गुफ्तगू इजाजत देख लीजिए ना आओ मक्के चले वही मक्का जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए वही मक्का जहां के एक छोटे से घर में पैदा हुए मुस्तफा तो मुस्तफा की अम्मी ने आका की पैदाइश के वक्त छोटे से घर में रहकर बसरा के बाजारों को भी देख लिया था आओ उसी मक्के में चले फरान की चोटी से मुस्तफा ने हक्कानियत और सदाकत का बिगुल बजा दिया लात की पूजा नहीं होगी मनात की पूजा नहीं होगी उस्ता की पूजा नहीं होगी या उस की पूजा नहीं होगी या उन की पूजा नहीं होगी नस्र की पूजा नहीं होगी आत्मा भूतों की पूजा नहीं होगी अचानक मटके में करंट दौड़ गया ये कैसी बोली बोली जा रही है ए मोहम्मद ऐसी बोली मत पैदा करो मुस्तफा ने फरमाया मोहब्बत से पत्थरों की पूजा नहीं होगी बल्कि जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा होगी एक अल्लाह कितना
खूबसूरत नारा दिया था मुस्तफा ने, कितना हसीन नारा दिया था। 40 साल तक मुस्तफा का कोई मुखालिफ न था। जितनी सच्ची बात कही फौरन से मुखालफत शुरू हो गई। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी में खदीजा 40 साल औरत से शादी करने की पसंद का तरीका लाजवाब। जो नबी 40 साल तक इतना बेताज रहा हो, एक जुमला दे रहा हूँ, तकरीरों से इस तरह के फिक्री जुमले गायब हो रहे हैं, मगर आप की है मुझे आसार में मौलाना नौमान पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और बस्ती से बोले सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही, अहले इल्म की तवज्जो, बचपन से लेकर 40 साल तक मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, कोई दुश्मन नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई भी मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ बोलने वाला नहीं, बल्कि आला हजरत की जुबान शेरो सुखन में वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के धुआ नहीं, इतना खूबसूरत नबी कि सबसे आला व औला। अरे आला हजरत का कलाम है, बेटा कामयाब रहे तो आप कहते मेरा बेटा, बेटी कामयाब हो मेरी बेटी, आपके इलाके का कोई आलिम कामयाब हो जाए तो कहते मेरा आलिम। ये सारी उम्मत का नहीं, सारी कायनात का नबी है मुस्तफा। तेवर से हाथ उठाकर कहना हमारा नबी, हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाकर बोलना, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, काम देता है देने को, ऊंचा ही है देने वाला है सच्चा। उसी मुस्तफा की जिंदगी की किताब का हिस्सा खोलकर एक जुमला दे रहा हूँ। अगर हजरत अशरफ गिलानी की निजामत और खिलाफत की फिक्र और नजर के जुमल में इस जुमलों की गहराई और गिराई पहुँचती है, तो निजामत की पूरी नवाबियों के साथ इस जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। पैदा हुए मक्के में, बड़े हुए मक्के में, जवान हुए मक्के में, 40 साल गुजार दिया मक्के में, शादी किया मक्के में, कैसी जिंदगी मुस्तफा की। अबू चेले ने कहा लाजवाब, अबू लहब ने कहा लाजवाब, कुरैश के काफिरों ने कहा लाजवाब, सरदारान मक्का ने कहा लाजवाब। मक्के वाले ने इतनी सी बात कही कि पत्थर की पूजा मत करो, पत्थर की पूजा मत करो। सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। मैं कल जुमला दे रहा हूँ, जो नबी नबुव्वत के ऐलान से पहले 40 साल तक इतना बेताब रहा हो, वो नबुव्वत के ऐलान के बाद कितना बेताब हो रहा। अरे यार इस जुमले पर तो पूरे मजमे को, अरे नबी, अरे रिसाल, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अच्छा दो तीन शेर सुना दो, आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है मगर शेर अच्छा, जिसे शेर कहा जाता है वो अब मैं पेश कर रहा हूँ। हुजूर मेरा कलाम नहीं, सरहद पार से उठा कर लाया, और नातिया शायरी नबी की ऐसी है जिसे कोई सरहदों पर कैद नहीं कर सकता। अब पढ़ दूं, सिर गर्दन खाली हिलाते हैं, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। बुलाए दो कर भाई, हां हां दो तीन से जी 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 जी
जितना दिया सरकार ने मुझे, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया हाँ जी जितना दिया सरकार इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका। मुझ में तो कोई बात नहीं, दस्तार बंदी जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए तुर्क में बहा दिए है, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मुझ में तो कोई बात नहीं। बरकाती कमेटी है, जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर पूरे तरीके से सिद्दीक साहब किला और हमारे मेहमान मिल्लत कारी सादिक साहब किला, पूरी दुनिया में एक ही शहर है, एक ही शहर कि जो न देखे वो भी कहता है दिखा दे या इलाही, और जो देख चुका वो फिर से कहता है दिखा दे या इलाही। अब जिन्हें मदीना देखने की तमन्ना हो फिर एक बार हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, तू भी वही पर तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, भी वही पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरे तकदीर बनाना उनके लिए कुछ। वाह वाह, ये बरकाती कमेटी है हजरत, वाह 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 माशाल्लाह।
उनके लिए कुछ बात नहीं जितना दिया। और इस कलाम का हासिले कलाम शेर जो मेरे हिसाब से मैं वो पेश कर रहा हूँ, हजरत मुलाजा फरमाए, जितना दिया सरकार ने मुझको, याद नबी में दिन जो गुजरे। इस शेर की लाज रख लेना मेरे दोस्त, मेरे अकबर, मेरे बिलबल, मेरे हुमायूं, मेरे बाबर, मेरे शेर शाह सूरी, मेरे मुल्ला दो प्याजा, इस शेर की लाज रख लेना मेरे भाई। याद नबी में आए हैं दिन जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। बेशक याद नबी में दिल जो गुजरे, वो दिल सबसे 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 अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे, वो दिल सबसे अच्छा है। और इश्क नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। इश्क नबी में रात उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया है, 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 है। सरकार ने मुझे, आओ शहरे मक्का चले चले चले। जिन्हें मक्का जाने की तशक्कुर में गुंजाइश है, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, आओ मक्का चले चले। मैं इंशाल्लाह से हमारे भाई ने कहा कोशिश करूंगा कि एक दो बंद बंद पेश कर दिया, मगर अभी मुलायजा फरमाइए। इस्लाम का ऐलान मक्के में हो चुका, अब कुफर की टांगे नहीं टूटेंगी, सीना फटेगा। इस्लाम का ऐलान हो चुका, एक मोहम्मद अरबी के इंकलाब ने पूरे अरब में तूफान बर्पा कर दिया। अब यतीम हो तो ऐसा, यतीम हो तो ऐसा कि चुप रहे तो सब कहे मोहम्मद ऐसा हो। बोलना भाई, बोलना बोलना वापस बोल सुहा। अब यतीम हो तो आमना के लाल के जैसा कि चुप रहे तो मक्के की वादी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, मक्के की घाटी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, हलीमा का घर कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, बकरियों की थाने कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, शेर का कलेजा बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, चांचा मिजाज बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, अरब की घाटियां बोले मोहम्मद का जवाब नहीं। और जब 40 साल बातिल माबूदों के खिलाफ तन्हा आकर कर कहे पूजा इसकी नहीं बल्कि इसके पैदा करने वाले की होगी, तो फरिश्तों की जमात कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, जन्नत की बहारें कहे मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी सरजमीन पलिया कला नारे तकबीर नारे रिसालत। जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम के पेटो सच कह रहा हूँ, मेरा जुमला कबूल कर लेना। हुजूर कारी साहब बिल्ला एक जुमला कबूल कर लेना, अगर ये मुस्कुराना भी
किसी के कब्जे में होता तो ये नागपुर में अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों की हंसी को लोग कैद कर, मगर ये रब की अता है। यही वजह है कि तुम्हारी मुस्कुराहट अब तक तुमसे कोई नहीं छीन सका है। इसलिए आगे बढ़ना है तो मुस्तफा की जिंदगी को समझो। जिस मुस्तफा की जिंदगी ने हमें सिद्दीक दिया है, जिस आका की हयात ने हमें उमर दिया है, जिस आका की जिंदगी के एक हिस्से ने हमें इस्लाम का सबसे बड़ा कमांडर चीफ हजरत खालिद बिन वलीद दिया है, जिस मुस्तफा की दुआ ने हमें फिर से 92 साल के बाद दरियाए सिंध की लहरों पर इस्लाम का फैलाने वाला 17 साल मोहम्मद बिन कासिम दिया है। मुस्तफा की जिंदगी से प्यार करूंगा। बहुत बहुत बातें आ रही है, मुझे डर लगता है कि शेयर करूं तो आप समझने के बजाय भागने का रास्ता रख चुके, मगर एक बात याद आई, सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में जीना है तो किसी के आगे हाथ फैलाकर मत जियो, अपना हक लेना सीखो, और अपना हक लेने के लिए तुम किसी पार्टी का झंडा उठाते रहोगे हक नहीं मिलेगा। फैसला करो, आज से तो रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आज से तो रोटी खाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, तो रोटी खाएंगे इंजीनियर बनाएंगे, रीडर हम बनाएंगे, पॉलिस्टर हम बनाएंगे, साइंटिस्ट हम बनाएंगे। इसलिए जवाली ये बोल रहा है कि तुम इतना पढ़ो, तुम इतना पढ़ो कि मुल्क पर बोझ मत बनो, जरूरत बन जाओ। पूरा मतलब आप से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जुमला दे रहा हूँ, जरूरत बनो, जरूरत बनो। जब पाकिस्तान के एटमी साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर ने एटम बम बनाकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालना शुरू कर दी, तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की पूरी आबादी में पाकिस्तान के साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की औकात बताने के लिए किसी और मजहब के बेटे को सामने नहीं आना पड़ा। केरला की सरजमीन का वो एपीजे अब्दुल कलाम उठा और उसने कहा, मुसलमान दहशत गर्द नहीं होते बल्कि मुल्क की जरूरत होते हैं। बात आई खाजा के हिंदुस्तान का, तो शेर दो शेर पढ़ू, मत छूएगा तुम्हें किरण लगेगा, हमको नहीं लगता है। दो शेर जी, मेरा खाजा वही है महाराजा। इसीलिए मैं कहता हूँ हालात जैसे भी हो, हालात बड़ी सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है हुजूर सी सत्य, हालात जैसे भी हो मगर हम कट सकते हैं, मगर हिंदुस्तान से कोई इस्लाम को निकाल दे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज के हाथों में उसने दिया है, जिनकी शान बरेली वाले आका सैयदी सनदी मावाई मलावी मलजाई आका मौला अलजा इमाम अहमद वाला ने कुछ इस तरह पेश किया, जमीनों सभा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, है मुंह में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए उठे दीवार। हाय हाय वाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद,
गरीब आए है दर पर, गरीब आए है दर पर, तेरे गरीब नवा। जो लोग अजमेर शरीफ गए वो हाथ उठाकर बताएं, कौन लोग अजमेर शरीफ गए हैं? जो लोग नहीं गए चले जाइए। हिंदुस्तान में आप पैदा क्यों हुए? हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं तो गरीब नवाज के रोजे पे जाया कीजिए। गरीब दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है, खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है, नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। कैसे के हम गरीब बड़े, के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब नवा, के हम गरीब मक्के की सरजमीन। आका ने आज सच्चाई का ऐलान कर दिया, देखते ही देखते पांच मिनट बाबू हिले डोले कहीं नहीं, पांच मिनट कोई हिले डोले नहीं। हे बाबू मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा 240 शुगर, बाबू इधर देखते। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा देखिए तो सही। जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, कोई नबी का नहीं था, कोई नबी का नहीं था। इस्लाम कैसे फैला है इसको समझो, और हमें फैलाना इस्लाम किस पर गौर करो। एक एक मक्के के बाजार से खरीदारी करने के लिए दूर से एक काफिर एक मुशरिक आया, सामान खरीदता हुआ, वक्त का ख्याल ना रख सका, शाम हो गई, शबे तैजूर के सन्नाटों ने कब्जा जमा लिया, सूरज की रोशनी कहीं गुम हो गई, आज चांद भी नहीं निकला है, रात रात तारीख है, उस बाहर से आने वाले गैर मुस्लिम मुशरिक ने बाजार से सामान भी खरीद लिया, अब दौड़ कर अपने घर निकले तो कैसे निकले, रास्ते में जंगल है, चोरों का डर है, डकैतों का डर है, चांद भी जाएगा, माल भी जाएगा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, कैसे जाया जाए, जाना बेहतर नहीं मक्के में, रुक जाओ। मगर मक्के में किसी ने ठहराया नहीं, अबू जहल के पास पहुंचा, अबू जहल ने कहा तुम मेरे मजहब के जरूर हो, तुम मेरे धर्म के जरूर हो, तुम मेरे मजहब के जरूर हो, तुम भी पत्थरों की पूजा करते हो, मैं भी पत्थरों की पूजा करता हूँ, मगर रात का वक्त है, तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम कहीं भी रात गुजार लो, मगर मैं अपने घर ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा। वो बेचारा परेशान हाल अबू के पास गया, अबू लहब ने भी वही कहा, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पास गया, सबने यही जवाब दिया। इसी भीड़ में किसी मनचले ने उसको खिलौना समझकर उसके दिल से खेलते हुए मजाक में कहा, रात हो गई,
मक्के में तुम्हें कोई जगह नहीं देता का कोई नहीं, कहां कहां गए का सरदार के पास गया। अबू जहल ने कहा जगह नहीं मिलेगी, अबू लहब ने कहा जगह नहीं मिलेगी, तो समझ चले ने कहा कोई जगह ना दे मगर एक घर है। वो मिट्टी का घर, वो मिट्टी का घर, जरा बोलो सुभान अल्लाह तो नुक्ता देते। अरे मोहब्बत से बोलो ना, अरे इसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते हैं, एहसान मानो को अब तक सुना रहे हैं। पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो बिलाली साहब, तवज्जो चाहो। मुझे मालूम है कि 2 बजे रात का वो हिस्सा होता है जहाँ लोग रोना शुरू कर देते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कम बड़ी नेमत थोड़ी है आपके साथ। मगर मुलायम उलमा जी पूरा मतलब ऊपर और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और पूरी कलियत से बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मिट्टी का घर, बड़े बड़े बादशाहों के महलों में रहने वाले बादशाहों से पूछो, अगर ये ख्याल आ जाए कि मौत आएगी, मौत आएगी तो बादशाह महल में रह के भी कांपता है, चूंकि कोई महल मौत का रास्ता न रोक सका। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा का वो हुजरा जो मदीने में था, मिट्टी का घर था, मगर उस घर की शान वो छोटा सा कमरा, वो छोटा सा कमरा चटाई का बिस्तर, वो छोटा सा कमरा चटाई का बिस्तर नजर आ रही है। चले जाओ, किसका घर है? आवाज दो, दरवाजा खुलेगा। अरे नाम बताओ किसका घर है? कहा मोहम्मद का, मोहम्मद का। नर्मदा में गुफ्तगू, इस्लाम कैसे फैला? नर्मदा में गुफ्तगू। चला गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मैं यकरो हादल बाब, कौन है? कहा एक अजनबी। क्या हुआ? कहा मक्के में किसी ने जगह न दी, मगर एक ने एक आपका पता बताया, मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया, हबीबे खुदा ने दरवाजा खोल दिया। और खोल कर फरमाते हैं वहां क्या कर रहे हो? दरवाजा खुल गया है, अंदर आ जा, अंदर आ जाओ। खिलाया पिलाया, बिस्तर लगाया सुलाया, सरकार ने कहा आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। सरकार उधर गए, सो गए, इधर इधर ये भी सोया। आधी रात में डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, बदहजमी हुई, निजाम में शिकम बिगड़ने लगा, खाना सही से डायलॉग नहीं हो सका। अब के पावर, कैपेसिटी का पावर भी कमजोर हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा बिस्तर गंदा हो गया। उसने सोचा इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए निकल लो, निकल गया। थोड़ी दूर जाने का बात है, सास हुआ कह रहे मैं तो निकल गया मगर लोहे की तलवार वही छूट गई। उसने देखा मौसम अभी तारीकी है, अभी अंधेरा है, करूं तो क्या करूं, अभी मोहम्मद सोए होंगे, चलो तलवार लेकर निकल लूंगा। इधर ये पलटा तलवार लेने को उधर सरकार उठे, बिस्तर के पास गए, मेहमान गायब है मगर बिस्तर पर गंदगी फैली है। सरकार ने कभी चेहरा नहीं बिगाड़ा, सरकार ने किसी तरह का कोई तस्सुर नहीं दिया, बल्कि अपने हाथों से बिस्तर उठाया। ये वही हाथ है कि उंगली का इशारा करे तो चांद को चीर दे, ये वही हाथ है कि सूरज को बुलाए तो सूरज वापस आ जाए, ये वही उंगलियां है कि इससे रहमत की नदियां जारी हो जाए। मगर अपने हाथों से उठाया मुस्तफा ने, ले गए पानी के पास, धोना शुरू किया। मौलिक का कलम, हिस्टोरियन का कलम तो ये कहता है कि मुस्तफा अपने हाथों से बिस्तर की गंदगी धो रहे थे। बरेली के राजा का इश्क कहता है कि उंगली जिस हाथों को रगड़ कर गंदगी नहीं धो रहे थे, बल्कि यहाँ हाथ रगड़ रहे थे वहाँ उसके कुफर के दाग धुल रहे थे, वहाँ कुफर की गंदगी धो रही थी। सरकार धो ही रहे थे कि वो अचानक से आ गया, आया तो देखता रह गया, खड़ा हो गया, सरकार को देखता रहा, सरकार ने देखा क्या हुआ।
बस 5 से 7 मिनट क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? चुप चुप चुप। कोई चीज छूट गई? कहा लोहे की तलवार। आगे गए, अंदर गए सरकार, लेकर आए तलवार। कहा यही है ना, अब तलवार नहीं देख रहा है, आका के रुखसार देख रहा है। देखता रह गया। मैंने तसव्वुर में पूछा क्या देख रहे हो, तो उसने जवाब दिया सोच यही रहा हूँ कि जब मुस्तफा ऐसे हैं तो मुस्तफा का इस्लाम कैसा होगा, मुस्तफा का मजहब कैसा होगा, मुस्तफा का दीन कैसा होगा। सरकार का तो तलवार यही है ना, कहाँ लेकर चले जाओ, अब कहाँ जाऊंगा। लोहे की तलवार से बदन काटा जाता है, मगर आपने इखलाक की तलवार से मेरा दिल तराश कर रख दिया है। अब कहाँ छोड़ कर जाऊंगा, पढ़ा तो अपना लाया हुआ कलमा नर्म तमे गुफ्तगू से इस्लाम फैला है। आज हम इन्हीं चीजों को फरामोश कर रहे हैं। आओ अजमेर चले, 40 फकीर उसमें 39 मुरीद, एक पीर। पीर का नाम मोइनुद्दीन। 39 मुरीद, एक पीर चले थे, एक हाथ में तस्बीह और मुसल्ला, एक हाथ में कुरान, लब पर अल्लाह अल्लाह। यही तो पूरा सरमाया था। राजपूताना की सरजमीन अजमेर शरीफ पहुंच गए, छोटी सी कुटिया डाल दी, वो छोटी सी जगह में छोटी सी कुटिया थी, मगर पूरे अजमेर में क्या पूरे हिंदुस्तान में उसका जवाब नहीं था। अल्लाहु अल्लाहु की मस्जिद जमी रहती थी। एक गैर मुस्लिम, बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान उस कुटिया के पास से असर के बाद गुजर रहा था, अंदर से रोने की आवाज आई। इसके कदम रुक गए, क्यों रो रहा है ये आदमी, ऐसा क्यों रो रहा है? अजीब दर्द है, अजीब तीस है, अजीब जलन है, अजीब बेचैनी है, अजीब हिजर का एहसास है, ऐसा क्यों रोता है? रोता वो है, दिल मेरा क्यों फटा जा रहा है? पलट कर आया अपनी माँ के पास, माँ कहती है बेटे आज इतनी ताखीर क्यों हो गई, इतनी ताखीर से क्यों आए? आदमी क्या बताऊं, वो जो 40 फकीर आए हैं, जो सरसों की टोली आई है, उसमें एक गुरु है, बाकी सब उनके चेले हैं। गुरु अजीब रोता है, गुरु रोता है अजीब दर्द के साथ, गुरु रोता है अजीब बेचैनी के साथ। अम्मी मैं जवान हूँ, पढ़ा लिखा जवान हूँ, मैंने देखा है उन बापों को रोते हुए जिनका जवान बेटा दुनिया छोड़ गया हो, मैंने उन माओं को रोते हुए सुना है जिनकी बेटियां मर गई हो, मगर ऐसा तो मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा है। आखिर वो ऐसा क्यों रोते हैं? माँ गैर मुस्लिम औरत है, वो कहती है मैंने तो रोते हुए नहीं सुना है, तुमने रोते हुए सुना है, तुमने क्यों नहीं खुद से पूछ लिया है कि तुम ऐसे बाबा ऐसा क्यों रोते हो? अब कभी रोते हुए देखना, पूछ लेना। एक दिन फिर गुजर रहा था, कहीं असर के बाद का वक्त था, उसने देखा रोने की आवाज आ रही थी, फिर इसके कदम रुक गए, अंदर रोते रहे सरकारे गरीब नवाज, बर्दाश्त न कर सका, कुटिया के अंदर ये दाखिल हो गया, झोपड़ी के अंदर ये दाखिल हो गया, देखा रो रहे हैं। जब तक सरकारे गरीब नवाज रोते रहे, ये देखता रहा, सब सरकार रोकर चुप हो गए। पूछते हैं जवान तो अंदर क्यों आ गए, क्या वजह है अंदर दाखिल होने की, वजह क्या है? तो जवान ने कहा बाबा एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों रोते हैं? रोते आप हैं, सीना मेरा छल्ली होता है, रोते आप हैं, दिल
मेरा फटता है, रोते आप हैं, कलेजे में बेचैनी की टीस मेरे उठती है, आप ऐसा रोते हैं। सरकार गरीब नवाज ने बड़े मीठे लहजे में कहा, तुम ऐसा रोना चाहते हो क्या? इसने फौरन कहा, हाँ बाबा, जैसा आप रोते हैं वैसा ही मुझको भी रोना सिखा दीजिए। फरमाया गरीब नवाज ने, ऐसा रोने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुफ्र से निकलना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़ना होगा, उसके बाद मेरे दामन में आकर बैठना होगा, तेरी सोहबत में कुछ दिन रहना होगा, ताकि तुम्हें ऐसा रोना आ जाए। इस जवान ने कहा, अम्मी से पूछ कर आता हूँ। माँ के पास पहुँचा, माँ कहती है, कहाँ रुक गए थे? कहा, पापा अम्मी वही रुक गए थे हम, पापा फिर से रो रहे थे। अच्छा, फिर से रो रहे थे तो तुमने पूछा था कि नहीं पूछा? कहा, पूछा तो। क्या जवाब दिया? कहा, तुम भी ऐसा रोना चाहते हो? तुमने क्या कहा? मैं भी ऐसा रोना चाहता हूँ। तब उस फकीर ने क्या कहा? अम्मी फकीर कहता है, ऐसा रोना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करो। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? कहा, मैंने जवाब दिया कि अम्मी से पूछ कर आता हूँ। माँ खुश हो गई, बेटे बहुत अच्छा जवाब दिया, इस्लाम कबूल मत करना, इस्लाम कबूल मत करना। मगर उस औरत को क्या पता था कि जिस्म पर माँ का कब्जा है, मगर दिल पर गरीब नवाज का कब्जा है, दिल पर गरीब नवाज पकड़ है, दिल पे गरीब नवाज का तसल्लुत है। वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो बेचैन है। अब माँ कहती है, मेरा बेटा दुबला क्यों हो रहा है? चलो किसी डॉक्टर के पास ले चले, चलो किसी वैन के पास ले चले, चलो किसी इंजीनियर, चलो किसी हकीम के पास लेकर चले, मगर कोई दवा काम नहीं करती है, कोई दवा काम नहीं करती है। इश्क के दस्तूर से नाले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, दर्द जाता क्यों नहीं? इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया कुछ दवा की, ठीक क्यों नहीं होता? ठीक क्यों नहीं होता? समझ गई ये औरत, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। बोला, कहा, तुझे फकीर की याद आती है? हाँ अम्मी। कहा, मर जाएगा? माँ को ये पसंद नहीं है, जा तू उन्हीं का होता मगर जिंदा रहा। जवान बेटा पहुंचा, सरकार गरीब नवाज झोपड़ी में थे, अंदर दाखिल हुआ। बहुत जवान, क्या मामला है? कहा, माँ ने भेजा है, अपना कलमा पढ़ा दो, इस्लाम बता दो, अपना बना लो। गरीब नवाज ने तीर नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाई, इस्लाम को किस तरह फैलाया है ये देखिए। क्या नाम है तबे गुफ्तगु का लहजा है, जब मेरा गरीब नवाज अपनी जिंदगी की आखिरी सांस से ले रहा है, पेशानी पर गैब से तहरीर हुई है, हादा हबीबुल्लाह माता की हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है जो अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। जब अल्लाह का महबूब दुनिया से जा रहा था तो इसी इखलाक की तलवार से 99 लाख राजपूतों को मुसलमान बनाकर जा रहा था। गरीब नवाज के मोहब्बत में हाथ खाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहते हैं, आ इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर लिया है। कुछ दिन अपनी सोहबत में रखा, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन, खुद खिलाते खुद पिलाते खुद सुलाते खुद उठाते, प्यार करते मोहब्बत करते अपना बेटा बना लिया। कुछ दिन के बाद कहते हैं, जवान तुझे तेरी माँ की याद नहीं आती है क्या? अपनी के पास माँ से मिल करा। कहा, जी अब हुजूर जैसा हो। कहा, 3 दिन से कम, 3 दिन कम नहीं और 3 दिन से ज्यादा भी नहीं, मिल कर आओ। ये पहुंचा, माँ ने देखा बेटा आया है, शौक का खाना बनाया, बेटे भूख लगी, हाँ खा ले बेटा, खा ले खा ले। दस्तरखान लगाया गया, मन का खाना बनाया गया, बेटे को बिठाया गया, बहुत दिनों के बाद लाल आया है, निवाला बनाया, खाना शुरू करता है, मुंह के करीब ले गया, भूख मर गई, भूख मर गई, निवाला वापस। माँ कहती, क्या हुआ बेटे? का पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे थे वो लोग? कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा, गरीब नवाज 3 दिन
एक दिन भी नहीं हुआ अम्मी लूट जाऊंगा, मेरे मुर्शिद से कहो ना बुला ले। सब बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद से कहो बुला ले। माँ बेटे की तड़प देखकर मुर्शिद के पास गई। हे महाराज कृपा करो, महाराज रखो गरीब की लाज। क्या हुआ? मैं उसी का की माँ हूँ, आपके बगैर नहीं रह पाएगा। तीन दिन के लिए भेज दिया है, अभी बुला लीजिए। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? अभी नहीं, तीन दिन। बेचारी आती है, समझ जाता है बेटा अर्जी पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? क्या नहीं, कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद फिर बेचैन होकर, अम्मी माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है, एक बार जाकर और बोलिए ना, जाके बोलिए ना। वो पहुंच गई फिर, बाबा बाबा बुला लो, बाबा मर जाएगा मेरा बेटा, बाबा बेटा मरेगा तो मैं मर जाऊंगी, बाबा बुला लो बुला लो। सरकार गरीब नवाज को प्यार आ गया, कहते अच्छा भेज दो। आकर बोलते हैं जा तुझे बुलाया है, दीवाना वार दौड़ता हुआ सरकार गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया, सर झुका हुआ, कदमों को चूम रहा है, रो रहा है, रो रहा है। ऊपर से गरीब नवाज अपनी विलायत और रहमत का हाथ उसकी पीठ पे डालकर सहला रहे हैं और कहते हैं मत रो, मत रो। का हुजूर अब जुदा मत कीजिएगा, का अब जुदा नहीं करूंगा, मत रो, जो है ना, मत रो, मत रो, मत रो। इधर ये आवाज से रो रहा था, जब चुप होकर यूं उठाया सर तो क्या देखा कि गरीब नवाज भी रो रहे, गरीब नवाज भी रो रहे थे। इस दीवाने ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? का एक बात बताओ, तुमने खाया कि नहीं? का भूख तो लगी थी मगर नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? का जैसी लुकमा बना रहे थे ना बाबा, मुंह खोल चुके थे, अचानक आपकी याद आ गई, अचानक आपकी याद आ गई, जो मेरे बगैर नहीं खाता था आज मैं उनके बगैर कैसे आज मैं उनके बगैर कैसे खा लूं? मैं नहीं खा सका। सरकार गरीब नवाज ने रो कर कहा तुम नहीं खाए? का नहीं बाबा, का तुम नहीं खाए मैं भी नहीं खाया, तुम नहीं खाए मैं भी नहीं खाया। और उसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं तुम कहते थे मैं क्यों ऐसा रोता हूँ, तुम कहते थे मैं ऐसा क्यों रोता हूँ, तुम मुर्शिद से तीन दिन के लिए जुदा ना हो सको, तुम मुर्शिद से तीन दिन के लिए जुदा ना हो सके ऐसा रोते हो, मैं तो मुर्शिद से सालों से जुदा हूँ भाई कैसा रोता हूँ। आपने देखा नर में तने इस्लाम फैल गया, बातें बहुत कुछ कहने को है। और जब एक जुमला देकर उस पर दो मिनट की गुफ्तगू करके मैं अक्सर बोलना चाहता हूँ कि जब इस्लाम फैलाना हो, जब 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 इस्लाम फैलाना हो तो नर्म दर्म गुफ्तगू हो जाए, और जब 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 इस्लाम को फैलाने में कोई ताकत रुकावट बने गर्म दमे जुस्तजू हो जाए। इसी के लिए करबला है, करबला इसी के लिए है। इस्लाम फैलाना है, नमाजों के तकद्दस को बचाना है, शरीयत की आबरू को यजीद के मनहूस हाथों से निकाल कर फिर से इस्लाम की उसी रूह में लाना है। गर्म दमे जुस्तजू हो गए शब्बीर, लिया छोटा सा काफला, ऐसा काफला कि तारीख इंसानियत में जितनी भी जंग हुई हो मगर एक करबला की तारीख तेरा जवाब नहीं। छह माह का अली असगर भी रही, औरो मोहम्मद जैसा भांजा भी रही, कासिम जैसा साधुर भी रही, अली अकबर जैसा बेटा भी रही, अब्बास जैसा वफादार भाई भी रही, इमाम हुसैन जैसा 56 साला नवासे रसूल नाना की पीठ पर सवार होकर सजदे में अपनी जान जलाने आ रहा हुसैन। पूरा इस्लाम आज मदीने वाला करबला में उतर पड़ा है,
मगर ए हुसैन आपने इस्लाम को नरम दमे गुफ्तगू से क्यों नहीं समझाया? तो कहा यजीद इस्लाम मिटाना चाहता था। अच्छा इस्लाम मिटाने की कोई बात करे तो वहाँ लहजों की मिठास से नहीं होती है बल्कि बद्र की तलवार भी होती है, उहुद का मिजाज भी होता है, किरदार भी होता है। तमे गुफ्तगु गर्म तमे जुस्तजु रज्म हो या बज्म हो फैलाने की कोशिश करो और इस्लाम को बचाने की कोशिश करो। एक मुस्कान पर हम इतना नाश करते हैं। जिस दिन इस्लाम की बेटियां मुकम्मल पर्दों में आ गया और जिस दिन इस्लाम के बेटे मुकम्मल नमाजी हो गए तो फिर हिंदुस्तान कैसे इनको समेट सके? इसलिए कि जो इस्लाम में लूट जाता है आवाज आती है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात हो जाती है। और जिस दिन हम साहिबे किरदार हो गए फैसला करो कि हम हर काम करते हैं मगर अब से जब मुअज्जिन की अजान की आवाज गूंजेगी मस्जिदों की तरफ दौड़ेंगे, माँ से कहेंगे तू भी नमाज पढ़, बीवी से कहेंगे तू भी नमाज पढ़। इसलिए कि जब तू नमाजी होकर मुसलमान रहेगा, जब तू इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुसलमान रहेगा तो फिर तेरी बेटी तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी और तेरा बेटा सलमान रुश्दी न हो सकेगा। इस्लाम को फैलाना है तो साहिब किरदार बनो, लहजे में नरमी रखो, जुस्तजू में गर्मी रखो। इस्लाम इसी तरह फैल गया कि हम नरमी भी रखते थे, हम गर्मी भी रखते थे, इखलाक और लहजे की नरमी थी, मगर जब कोई मेरे लहजे पर हमला करता था, जब मेरे इस्लाम पर कोई हमला करता था तो उसके लिए गर्मी भी थी। और जब गर्मी आती थी तब कामयाबी इस तरह मिलती थी कि शायर को कहना पड़ा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। इस्लाम के बेटो बस जाते जाते अपनी गुफ्तगू का खुलासा यही कहूंगा, जल से सुनो, अच्छा सुनो, रात जागो जाग कर सुनो, मगर अपने किरदार को बेहतर करो। इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम किसी के सहारे अपनी कामयाबी नहीं ढूंढ सकते हैं। आओ हम पलटें उसी मुस्तफ़ा के किरदार की तरफ, उन्हीं बुज़ुर्गों के किरदार की तरफ। यही हमारे लिए खैर है, यही हमारे लिए सुकून है, यही हमारे लिए रूहानियत है, यही हमारे लिए करार है। हमें यही आला हज़रत ने पैगाम दिया है, यही मुफ्ती आज़म का पैगाम है, यही बुज़ुर्गों की ज़िंदगी है। अल्लाह हम सबों को इस्लाम, सीरत मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा को समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक बख्शे। ई दुआ अजमन वस कुद्दूसियाँ वस जुमला जहाँ आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। नूह तूफ़ान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके, मेरी गुफ्तगू में कहीं से गलती खामी आई हो आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल दंबी व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग, तकरीर मेरी ख़त्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया एक मौका देता हूँ, फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।